हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एस्टिमेट एंड क्वांटिटीज ऑफ ब्रिक वर्क एंड प्लास्टर, कि जो एक वॉल होती है, जो ब्रिक वॉल होती है, उसका हम ब्रिक वॉल का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, उसका प्लास्टर कैसे निकालते हैं और रेट एनालिसिस के बारे में जानेंगे। अगर आपके पास जो रेट लिखा हुआ है 320 पर क्यूबिक मीटर, सपोज़ कीजिए अगर आपको कोई रेट दे रहा है या फिर कोई इसका रेट है एक क्यूबिक मीटर का 320 है, और प्लास्टर वर्क सपोज कीजिए 8.50 पर स्क्वायर मीटर या फिर 8.50 पर स्क्वायर फीट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है रेट पर। तो सपोज़ कीजिए पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर फीट, जो भी आपके पास रेट है उसे आप निकाल सकते हैं कैलकुलेशन से। अगर स्क्वायर मीटर में तो स्क्वायर मीटर को आप कन्वर्ट कर लेंगे स्क्वायर फीट में, ठीक है। अगर आपके पास 8.50 रुपये पर स्क्वायर मीटर का, तो हम जो भी रेट आपके पास रेट है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। पर स्क्वायर मीटर में तो पर स्क्वायर मीटर में लिखेंगे, पर क्यूबिक मीटर के अंदर ब्रिक वॉल रिपर क्या, तो पर क्यूब मीटर के अंदर लिख दे। तो रेट एनालिसिस के बारे में बता रहा हूँ मैं, इसके बारे में आज, ठीक है। आपके पास कोई वॉल है जिसकी जो लंबाई है 4000 mm बाई 3000 mm बाई 300 mm, इसको कन्वर्ट करना हमें मीटर के अंदर, बिकॉज जो आपके सभी रेट है क्यूबिक मीटर या फिर मीटर के अंदर, ये जो यूनिट देख रहे हैं आप मीटर के अंदर है, क्यूबिक मीटर या फिर स्क्वायर मीटर। तो लेंथ हमारे पास है 4.0 मीटर, ठीक है। इसको कन्वर्ट किया हमने, जो आपके पास 4000 mm है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक मीटर में होते हैं 1000 mm, तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से इसको सिंपल भाग करना है तो 4 मीटर आपके पास आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद देख लेते हैं हाइट। हाइट आपके पास जो वॉल की हाइट है 3000 mm है, तो 3.30 मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और उसकी जो चौड़ाई आपके वॉल की 300 mm है, तो 300 को हम कन्वर्ट करना है मिलीमीटर, मीटर के अंदर, तो मीटर से अंदर कन्वर्ट किया हमने। 300 को भाग करेंगे जब 3000 से, तो 0.30 मीटर आपके पास आ जाएगा, क्लियर। आपके पास होगी लेंथ, ब्रेंथ एंड थिकनेस। अब देख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ वॉल, क्वांटिटी कितनी बनी। तो लेंथ, ब्रेंथ और हाइट को गुना करेंगे तो 4 × 3 × 0.30 कितना हुआ, 3.6 m³। देखिए यह तो आपके पास क्यूब मीटर में आ गई। अगर आपके पास यहाँ पर रेट लिखा हुआ है स्क्वेयर मीटर के अंदर या फिर क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फीट के अंदर, तो सिंपल आपको क्या करना है, इसको गुना कर लेंगे, ये मीटर क्यूब में निकल गई आपकी क्वांटिटी, इसको सिंपल गुना करेंगे आप 35.3147 क्यूबिक फीट। एक क्यूबिक मीटर के अंदर होता है 35.3147 क्यूबिक फीट। जब हम इसको को गुना कर देंगे तो आपके पास टोटल आ जाएंगे क्यूबिक फीट, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ प्लास्टर वर्क। क्वांटिटी हमें निकालना है प्लास्टर वर्क के लिए, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा फेस। तो हमारे पास है दो फेस, एक ये वाला फेस और ये बैक वाला फेस, ठीक है। तो दो फेस हो गए, तो दो फेस हो गए लेंथ इंटू हाइट। हमें निकालना होता है जस्ट ओनली सिंपल एरिया, तो लेंथ इंटू हाइट। तो लेंथ हमारे पास 4 मीटर है और हाइट 3 मीटर, तो इन तीनों को गुना कर लेते हैं तो 24 m². देखिए ये भी आपके पास एरिया आ गया है प्लास्टर का एरिया। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रेट है स्क्वायर फीट के अंदर है, तो सिंपल आपको क्या करना है, इसको गुना कर देना है 10.76 से, बिकॉज 1 m² होता है आपके पास 10.76 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, जब इससे इसको गुना करेंगे तो टोटल स्क्वायर फीट आपके पास आ जाएगा एरिया, ठीक है। इससे इसको गुना करेंगे तो स्क्वायर फीट एरिया आ जाएगा, इसको इसको गुना करेंगे तो आपके पास क्यूबिक फीट आ जाएगा वॉल्यूम ब्रिक वर्क का। उसके बाद देख लेते हैं कॉस्ट। कॉस्ट निकालना में प्लास्टर वर्क का प्राइस पर स्क्वायर मीटर, हमें निकालना है प्लास्टर के लिए, हमें पता होना चाहिए कि प्लास्टर का जो हमारे पास प्राइस है क्या है, तो स्क्वायर मीटर के अंदर है, अगर आपके पास स्क्वायर फीट के अंदर है तो स्क्वायर फीट का निकाल लेंगे। तो टोटल कवर्ड एरिया हमारे पास 24 m², अगर पास स्क्वायर फीट के अंदर, सपोज कीजिए स्क्वायर मीटर है, यहाँ पर निकाल लिख लेते हैं प्राइस पर स्क्वायर फीट इनटू कवर्ड एरिया, ठीक है। तो स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया दोनों निकल जाएंगे। स्क्वायर मीटर के अंदर है तो 8.50, ये हमारे पास जो रेट था स्क्वायर मीटर के अंदर था, तो 8.50 स्क्वायर मीटर पर, और टोटल कवर्ड एरिया 24, बिकॉज हमारे पास टू फेस थे और वन फेस की जो चौड़ाई है 12 m², 24 m² एरिया आ गया आपके पास। तो जब हम दोनों गुना कर लेते हैं तो 204 पॉइंट इतना आपके पास आ जाता है। अगर स्क्वायर फीट के अंदर आपके पास, सपोज कीजिए ये स्क्वायर फीट के अंदर ही है, तो सिंपल यहाँ पे ही गुना कर देंगे आप 10.76 से, इधर ही गुना कर लेंगे कवर्ड एरिया
मीटर स्क्वायर इंटू फीट स्क्वायर टोटल, तो इन तीनों को गुना कर देंगे तो टोटल आपके पास रेट आ जाएगा स्क्वायर फीट के अंदर, यहाँ पे लिखा रहेगा स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ये तो आपके पास स्क्वायर मीटर का हो गया कि आपके पास ये वाला इसका जो रेट है, इसकी जो एक स्क्वायर मीटर बाई एक स्क्वायर मीटर इसका जो रेट है आपके पास 8.50। ठीक है, इसका 8.50 है, तो टोटल कवर्ड एरिया हमारे पास कितना हुआ, तो 24, तो दोनों को गुना कर लेंगे तो 204.00। क्लियर। उसके बाद देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ ब्रिक वर्क, तो प्राइस पर क्यूबिक मीटर हमें देखना है कि प्राइस पर क्यूबिक मीटर कितना है, 320 जो हमने देखा था अभी ऊपर, और टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल, टोटल वॉल्यूम वॉल कितनी है 3.60। ठीक है, 3.60 क्यूबिक मीटर हमें देखना है, यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है तो 3.60, तो जो हम दोनों गुना कर लेते हैं तो 1152.00 आ जाता है। और टोटल कॉस्ट देख लेते हैं वॉल की कितनी आती है, 204.00 और 1152.00 दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 1356.00 ये आपके पास आ जाता है वॉल का एंड प्लास्टर का कॉस्ट। तो इस तरह से हमें निकालना है। देखिए, आपके पास स्क्वेयर फीट है, स्क्वेयर मीटर में है, तो वो सिंपल आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्क्वेयर मीटर को मीटर में, फीट को मीटर में, यहीं पे आप गुना कर लेंगे तो मीटर से गुना में। मैंने काफ़ी कन्वर्जन यूनिट बताई है मीटर को फीट में, फीट से मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वीडियो आप देख लेंगे तो यहाँ पर भी आपको आसानी रहेगी रेट निकालने के लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।